हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आप सब ठीक होंगे, यहाँ पर भी हैं सब ठीक। और तो गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लंच में भाजी, पाव भाजी की मैंने कर दी है तैयारी, जिसके लिए मैंने जो भी घर में अवेलेबल थी सब्जियाँ वो मैंने सब उबाल ली हैं, जैसे कि आलू, मटर, गाजर, गोभी, बस यही सब्जियाँ थी घर में तो मैंने वही उबाल के रख दी हैं। और अब मैं इन्हें मेश कर लूँगी थोड़ा सा। तो ये सब्जी क्यान को तो बहुत पसंद है खानी, क्यान की तो फेवरेट ही है। तो और गाइस आज है अमावस भी, तो अमावस की भी तैयारी करनी है। आज मैं बनाने वाली हूँ भाजी बिना प्याज वाली, क्योंकि ये देवतों के लिए भी निकलेगी। आज देवता महाराज भी टेस्ट करेंगे पाव भाजी, और तो जिसके लिए मैंने कर लिया तैयारी। और यहाँ पर मैंने बनाई हुई है खीर, तो खीर अभी बनी नहीं है पूरी तरह से, अभी बस कच्चे हैं चावल। और अब मैं कर देती हूँ छोक की तैयारी, जिसके साथ में खीर भी बन रही है, सब्जी भी बन रही है, पाव का तो कोई टेंशन है ही नहीं, पाव तो रेडीमेड होते हैं। और बस पराठे निकलने हैं देवतों के लिए, और खीर के साथ में भी गाइस मैं बना रही हूँ चाय मौकी के डैडी के लिए, पापा जी के लिए, बाकी सबके लिए। और ये हो गई है तैयारी, और बच्चों को भी अब उठाना है क्योंकि बच्चे हो जाएंगे नहीं तो फिर लेट। बच्चों के उठने से पहले इतनी तैयारी मैं कर लेती हूँ जिससे फिर दिक्कत ना हो। क्यान का ढंग, क्यान ने पहन रखा है अपने डैडी का ट्रैक सूट और नीचे बांधा हुआ है टॉवल, क्योंकि इसे लग रही है सर्दी और अब ये नहाने के लिए जा रहा है। बेटा टॉवल सही से बांध लो, बाथरूम में जाकर कोलगेट कर ले जा, ये यहीं करेंगे बाहर ही। ये हो गई है मेरी बस खीर रेडी, और अब मैं कर लेती हूँ बच्चों का लंच पैक। ये मौके होने लगा है, तो भाजी हो चुकी है रेडी, और अब मैं बच्चों के लंच में रख देती हूँ भाजी। वैसे तो बच्चे भाजी पराठों के साथ भी खा लेते हैं, अगर पाव से नहीं भी देनी हो स्कूल में तो मैं पराठे भी दे देती हूँ कभी कभी, बट मैं आज पाव ही दे रही हूँ कि चलो काफ़ी टाइम बाद दे देती हूँ इन्हें। नहीं, अगर अलाउड नहीं है तो ये पराठे भी खाते हैं बच्चे। तो बस अब लंच हो जाएगा पैक और बच्चे जाएंगे अब स्कूल। तो ये कर रही हूँ मैं पाव भाजी, और क्यान का है ये ड्राई फ्रूट लंच। बस अब दोनों का खाने के लिए तो होगा तैयार। ऐसा झोला था हमारा, जो सांप पकड़ने वाला झोला नहीं होता है, सिंगी लगाई के अरे यही, जैसे गांव में खाना पीना सब यही हो जाता था, कहीं लोड़ी ले पड़ती थी जाने, कहीं छाछ मिल गए, कहीं रोटी ले ली। अब खत्म हो गए है ना, वो चीज ही अलग थी जी, जब हम छोटे छोटे थे पिताजी के साथ गए। कट मारा इसने, मार दिया, कट मार दिया। ये क्या खून के साथ ये रेशा होता ना WBC ब्लड, ये सोचो मास के अंदर नहीं है, कैमरे के अंदर लगेंगे इसमें। कितने दिन से दर्द है आपको? ये तो महीने से ऊपर होगा। ज्यादा दिन से दर्द है ये? महीने से नहीं है, फिर इससे खत्म ही हो जाएगा परमानेंट? मैं बताऊंगा भाई साहब, आप इसमें आपने चावल, खटाई, उड़द की दाल, आलू गोभी, राजमा, ये बंद करने पड़ेंगे एक महीने के लिए। अच्छा, और इसमें चलेगी आपकी पीड़ा लेन बटी, गोल्ड बटी, बाबा रामदेव की आती है पीड़ा लेन, और आपकी चलेगी ऑर्थो ब्रेड, ये दो खा लो, दो पैकेट आप बिल्कुल जिंदगी में आ रहा, ये देख लीजिए आप। चलो निकालो, एक आठ की क्या क्या लगेंगे इसमें? आप इसमें 10 लगेंगे तो 1500 हो जाएंगे, 20 लगेंगे तो 3000 हो जाएंगे, नहीं लगेंगे तो कोई पैसा नहीं होगा जी, करने वाले सब महाराज जी। तो
इसका टाइम होता है सिर्फ 5 मिनट का, 10:28 हो रहे हैं, हम हटा देंगे 10:33 पे सीधे। ये हल्का आया है, इधर से निकाल दो, ज़्यादा ये देखो जी, ये रेशा होता है सिंगी का जो गोडे को खराब करता है, ये कलोट होते हैं, माइनर कलोटिंग यू है खड़ा जी, सारा ही है सारा। अब इसमें लगेंगे जी आप, देखते हैं मम्मी हमारे लिए क्या क्या सामान लाई हैं। आलू का प्रसाद बांटने जाएंगी, ये मम्मी लेके गई थी बैग और वहां से खिंचवा के लाई हैं इतना सुंदर फोटो। जय सोमनाथ। कहाँ का प्रसाद है ये वाला? सोमनाथ। एक लाई है मम्मी ये पूजा करने के लिए, और ये बैग लेके आई है, और एक ये वाला बैग है, और ये लेके आई है मेरे लिए मम्मी कंगन, ये पूरा सेट है इसका, और ये है गले का। अगली करवा चौथ की शॉपिंग कर ली, ये हैं दरबार पे लगाने के, किस चीज के हैं? जय द्वारी का, जय द्वारकाधीश के है ना, अच्छा बता दो कहाँ कहाँ गई थी? नर्मदा नर्मदा द्वारकाधीश, शुरू में द्वारकाधीश में आए, फिर गए थे वहाँ जापाना जो दे, अरे सुदामा ना लेगा तो नाम भी याद ना रहता, सुदामा ने दिए थे कान्हा जी को चावल, हाँ वहाँ द्वारकाधीश में कई है अलग अलग रूप में है। अब इसे बजाए करेंगे हम पूजा में, गाइस आज हो रही है मम्मी हाँ, बहुत खुश है, मम्मी जाने वाली है आज अपने माइक का हाँ, और वाइटी है हाँ, अब कितने दिन में आओगी? 3 दिन में आ, 2 दिन के लिए खैरी, और 3 दिन तो लगेंगे मम्मी का तो यू वाला बैग भी मैच देखो यू वाला और चलो सौ लो, तो मैचिंग मैचिंग हो रही है, काली काली सफेद काली सफेद। ओ बच्चों बड़े मम्मी के पैर तो छूले जा रही हैं, चलो भाई रुक जाओ पहले बाइक निकाल ले, मुझे तो ऐसी साड़ी को आके शर्म आ रही है, इस साड़ी में कुछ है? इसमें तो कुछ भी ना है, सिंपल सी साड़ी है ये, ये तो कल ऐसी दावत खा के आया, ओए ओए बस रहने दे, बाइक के ऊपर ही होएगा, चलोगे? पापा ही मुझसे रहे, मम्मी जा रही है अपने घर आज, मम्मी से बोल ना रहे उसके, मम्मी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, बाय। तो गाइस डैडी जी बड़े मम्मी जी को छोड़ के आ चुके हैं, हमारे लिए लेके आए हैं चाउमीन, और दादू जी के लेके आए हैं पपीता, ये दादू जी बीमार हैं। तो हाँ पूरी चाउमीन, तो गाइस हम इसको बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं, इसलिए डैडी जी आज चाउमीन लेके आ गए, डैडी को ना सपने में चाउमीन दिखाई दे रही थी, डैडी का था, और गाइस हमने बहुत दिनों से सिंगापुरी चाउमीन खाई भी नहीं थी, अब हम खा सकते हैं क्योंकि हम बहुत दिनों से नॉर्मल चाउमीन ही खा रहे थे। बाय बाय।
काटे चम्मच सब छोड़ रहे थे बच्चों ने, हाथ से मजा रहा। यार देखो पपीता भी इतना बड़ा और बीच में कट। वन टू थ्री गो बाय बाय गाइस। हाय फ्रेंड, आई एम टिड्डा। ज्यादा नहीं बोल रहे टिड्डा को। देखो एक बार देख आइए और ये आ रहे हैं मम्मी के भतीजे। उसका का नाम काट दे मेरा अपने बहू का है। गलत बात है, ऐसा ना करें करो। जेठ है ये, जेठ है ऐसी कैसी बात है। नहीं तो गए सेरा सिमर। बस आज सबके राज खुल गए खुल गए। इसे इसका नाम है वापस सेरा सिमर। टिड्डा बोड़ा बोड़ा तो कह दे। बढ़िया लग रहे हैं तो बहुत।